निकम सर प्लीज अनम्यूट करा। निकम साहेब पर्यंत आवाज चाललाय का? निकम सर अनम्यूट करा। सुनील सर त्यांना फोन करून सांगा नाहीतर। हॅलो हॅलो आवाज येत आहेत निकम साहेब सांगा। ओके ओके आज के कार्यक्रम के शुभ मुहूर्त पे डॉक्टर गजेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रशांत कुमार, डॉक्टर मायेंद्र सर, डॉक्टर गोरेटवार सर, डॉक्टर नलावडी सर, डॉक्टर शिंदे सर और हमारे फार्मर राहुल जी रसाड, संदीप भोले जी, मैं डॉक्टर रविंद्र निकम, आपको लगता होगा ये कभी ह्यूमन डॉक्टर में था, अभी मैं खेती का डॉक्टर बन गया है। नेक्स्ट सुनील साहब नेक्स्ट, ये मेरे खेती में क्या कुछ प्रयोग है। नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है वो मल्चिंग पे वाटर मिलन और सेकंड जो फोटो है उसमें पपीता इंटरक्रॉप वाटर मिलन, ये जो खेती में कुछ प्रयोग किया मैंने शुगर क्या इंटरक्रॉप ग्राम उसमें ड्रिप इरिगेशन पे मेरे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था उसमें जो फार्मर्स लोग वो देख रहे हैं, ये नीचे आप देख रहे हैं वाटर मिलन इंटरक्रॉप बनाना बनाना एक ज्यादा ड्यूरेशन का आता है, इससे हम शॉर्ट ड्यूरेशन में 60 दिन में पैसा मिल जाए इस हिसाब से हम क्रॉपिंग कर लेते हैं, साथ में बनाना बेड पे लगाते मल्चिंग पे लगाते। नेक्स्ट नेक्स्ट यही फार्मर्स लोग जो विजिट किया ड्रिप इरिगेशन पे ये स्वयं किया हुआ मेज ट्रैक्टर ऑपरेटेड और उस पर ड्रिप इरिगेशन ये ग्राम और मेरी गोल्ड और उसमें गौआ पेरू तीन क्रॉप पैटर्न तीन पिको में एक खेती में तीन क्रॉप और उसको हम जो बोलते सापड़ा पिक वो पिक के हिसाब से मेरी गोल्ड ग्राम और गौआ सेकंड में मेरी गोल्ड और चना ये जो आप दिख रहे हैं बनाना और सिसम इंटरक्रॉप धूप में जो हमारे तरफ टेम्परेचर 45-46 हो जाता है जलगांव में तो हमको बनाना लगाना मुश्किल हो जाता, वो हिसाब में हम मार्च अप्रैल में जब बनाना लगाए तो हम इंटरक्रॉपिंग कर लेते उसमें सिसम से उसमें प्रोटेक्शन भी मिल गया और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो जाता, हवा में जो नाइट्रोजन रहता वो फिक्सेशन हो जाता और आखिरी में बायोमास भी हो जाता और हमको शॉर्ट ड्यूरेशन में बनाना में वो इल भी आ जाता। नेक्स्ट निकम साहेब नेक्स्ट व्हिडिओ बंद केला तरी चालेल। ओके ओके ये मेरे इंस्ट्रूमेंट है ट्रैक्टर ऑपरेट बैल ऑपरेट और ये मेरा डेयरी फार्मिंग डेयरी के हमारे देशी गाय है उससे हम जीवामृत का यूज करते हैं और उसमें जो हमारा डेयरी फार्म है उसमें पानी के लिए उनको बाउल बैठा है उसमें ऑटोमेटिक से पानी आ जाता है उसमें हरदम एक एक कंटिन्यू लेवल रहती है पानी पिलाने के लिए गाय को छोड़ना नहीं है उसके हिसाब से वो गाय पीती रहती, ऐसा है हमारा डेयरी फार्मिंग और उसको मिल्किंग मशीन से हम दूध निकालते हैं और उसका जो गोबर है उसका हम जीवामृत के लिए यूज करते हैं यूरिन और गोबर का। ये हमारा जो शेननेट हाउस दिख रहे वहा हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की विजिट हुई थी उसमें हम वाटर मिलन के पौधे बना लेते हैं वाटर मिलन लगाने के लिए उसमें पौधे बनाने से हमारे 20 या 25 दिन इधर जो खेती में लगाना है 20 25 दिन में हम वाटर मिलन के रोप उधर शिफ्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ये मेरा वर्मी कंपोस्ट 2002 से एग्रो से एग्रोवेस्ट से बेस्ट ऐसा ये हमारा जो इधर सब एग्रीकल्चर ऑफिसर की विजिट हुई थी इसमें एग्री वेस्ट जो है उससे हम सब खाद बना लेते हैं इकोनॉमिकल कम खर्चा में मैंने वो 2002 से चालू किया वो आज तक चालू है उसमें
वाटर मैनेजमेंट और फोगर्स बैठा है मैंने, उसमें फोगर से पानी मिलता। और ये जो अमृत फिल्टर सेकंड फोटो में आप देख रहे हैं, जो अमृत फिल्टर वो हमने खुद हमने बनाए हैं, तो कम खर्चे में 15,000 में जो अमृत फिल्टर ऑटोमेटिक, उसमें जो सिस्टम बनाई है उससे जो अमृत ड्रिप से हम छोड़ सकते, ऐसी उसमें सिस्टम हमने बनाई है। ये आप बाद में जो देख रहे हैं नर्सरी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप, ये मैंने 2012 में टेरेस नर्सरी बनाई है। टेरेस नर्सरी घर के गच्चे पर 40 फीट ऊंचाई पर, उसका मेरे को फायदा ऐसा हुआ, इतनी ऊंचाई पर सकिंग पेस्ट नहीं जा पाते, इसलिए वो जो अपन रोप बनाते वो टाइम में अपने को पेस्ट कंट्रोल का कुछ खर्चा नहीं होता और सुरक्षितता होती। जब मैंने 2012 में से मैं रोप बना रहा हूँ, पहले मैंने टेरेस नर्सरी पे बनाए, बहुत सारे हमारे इधर जलगांव में टेरेस नर्सरी का एक बहुत सारा लोग बना रहे हैं। नेक्स्ट, मेन क्रॉप जो हमारा है केली, ये बनाना एक्सपोर्ट की प्रैक्टिस में 5 साल से कर रहा हूं। उसको जब वो केयरफुल ऊपर आ जाता है उसको बर्ड इंजेक्शन हम बोलते हैं। बर्ड इंजेक्शन के लिए इमिडाक्लोप्राइड 8 ml 15 लीटर वाटर में हम उसको बर्ड इंजेक्शन करते हैं। उसके बाद में कुछ सकिंग पेस्ट के लिए स्प्रे देना होती है, 2-3 स्प्रे हम देते हैं। उसके बाद में हम स्कर्टिंग बैग लगाते हैं। स्कर्टिंग बैग 2 टाइप की होती है, पॉलीथीन और ओन नॉन ओन फेब्रिक्स। एक पॉलीथीन बैग जब ठंड रहती है जब हम यूज करते हैं, नॉन ओन फेब्रिक्स का जो है वो बरसात के दिन में हम यूज करते हैं, इससे मैच्योरिटी 15-25 दिन तक जल्दी आ जाती है। स्पॉटलेस बनाना एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना बन जाता है। ग्राहक सर ने मेरे प्लॉट में विजिट दिया था, फार्मर लोग भी प्लॉट को विजिट देने को आए थे। और एक्सपोर्ट बनाना में उसका डायमीटर 38-44 कंट्री के हिसाब से चलता है। लेंथ उसके 7.5 inch to 8 inch का बनाना वो लगता है। जो कंट्री में बनाना जा रहा है उसकी उसका ड्यूरेशन कितना है कंटेनर पहुंचने का, वो हिसाब से उसकी मैच्योरिटी रहते हैं। ज्यादा लंबा दूर तक बनाना जाना है तो उसका 38 डायमीटर होना चाहिए, और ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन का उसका ट्रेवलिंग है तो 40-44 डायमीटर का बनाना चलता है। ऐसी बनाने की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अभी बनाना एक्सपोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये हमारा टर्मरिक, ये जो पहला फोटो में देख रहा है जहां 2 लेडीज खड़ी है, वो बॉयलर है, टर्मरिक बॉयलर। हम ऑर्गेनिक हल्दी करते हैं, वो खेत में ही लगाई जाती और उसमें बॉइलिंग जो है प्रोसेस यही होती। सेकंड फोटो जो देख रहे हैं आप राइट साइड में, वो ग्रेडर है हल्दी की क्वालिटी ग्रेडिंग करने के लिए। बाद में हमारा ब्रांड है अन्नपूर्णा हर्ब पाउडर, ये पैकिंग करके हम रिटेलिंग और होलसेलिंग करते हैं। टर्मरिक हम हमारी खेती में ड्रिप इरिगेशन पे करते हैं, सेलम वैरायटी और ऑर्गेनिक पाउडर का सेल हम करते हैं। नेक्स्ट, वाटरमेलन, पहले फोटो में जो देख रहे हैं ये बहुत पुराना फोटो है। हमारी खेती जो है अंकलेश्वर बुरहानपुर हाईवे पे है। अभी काश्तकार का तो खेती में पकाना आसान है, लेकिन बिक्री व्यवस्था ये जरूरी हो गई है। हमको जो बिक्रियां आ रही, बिक्री में भी बिक्रियां ज्यादा आ रही है, वो हिसाब से हाईवे पे स्टॉल लगा के वो येलो मिलन जो दिख रहा है विशाला कंपनी का येलो मिलन है, और हाईवे पे हम स्टॉल लगा के बेचते थे और बेच रहे। सेकंड फोटो भी महाबीज का स्वीट पैशन ऑर्गेनिक वाटरमेलन, एक उसकी जंबो साइज 10 किलो मिनिमम टू 15 kg, इतनी बड़ी उसकी साइज थी, स्वीट पैशन वैरायटी वो थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये फॉरेनर्स विजिट मेरे खेत में हुई थी, ओनियन फार्मिंग, व्हाइट ओनियन डेन इरिगेशन फार्मिंग का
आदरणीय भवराल भाऊ जैन का मैं 2002 से कर रहा, उसका पहला ही अवार्ड मेरे को मिला था ओवरहेड स्प्रिंकलर पे, रेन स्प्रिंकलर पे मैंने एकड़ में 18 टन ओनियन, व्हाइट ओनियन का उत्पादन लिया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और ये जो सब दिख रहे हैं मेरे पेपर में आए हुए सब फोटो हैं, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के सब वार्ताओं ने दिया हुआ। ये जो देख रहे हैं आप शेतकरी जीवनमान उंचावने, ये बवरलाल बाबू ध्येय मेरा हेडिंग। आपके ये फोटो दिख रहे गड़ाख साहब और हमारे महात्मा कृषि विद्यापीठ राउरी के ममराबाद में जब शास्त्रीय सलाहकार समिति की बैठक हुई थी, जब डॉक्टर के पी विश्वनाथा साहब ने मेरा सत्कार किया था, उनके साथ में डॉक्टर क्योकाटे सर भी थे। और ये केवीके में इनोवेटिव फार्मर का मेरे सत्कार करते हुए मैडम रूरल अग्रवाल जिलाधिकारी जलगांव, ये मेरे सब अवार्ड आज दिन तक मैंने जो काम किया उसके मेरे को अवार्ड मिले हैं, ये सब अवार्ड आप देख रहे हैं। थैंक यू। हरित क्रांति में जैसे नया बीज, रासायनिक खाद, टिश्यू कल्चर, ड्रिप सिस्टम से हरित क्रांति हुई, वैसे ही मैकेनाइजेशन एक क्रांति होंगी ऐसा मेरा अनुमान है। हम चल रहे हैं और मैकेनिज्म के हिसाब से भविष्य में ये बहुत ही क्रांतिकारक होगा। मैकेनाइजेशन जरूरी है। मल्चिंग लेइंग मशीन हमने खरीदा है, मल्चिंग लेइंग मशीन में खुद हम पेपर डलवाते हैं, उसमें वाटर मिलन और बनाना लगाते हैं और वो रेंटल पे भी हम देते हैं। हेलो, आवाज आ रहा? हाँ हाँ, ये माधव एक सप्लाई तो बंद करूँ? हाँ बंद करा, धन्यवाद धन्यवाद। ओके थैंक यू सर, थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू डॉक्टर।